पांच स्टेजेस के अंदर बताएंगे कि आपने किस तरह अपने कट शॉट को इम्प्रूव करना है, कि ये बड़ा इजी है, लर्न करना इजी है, लेकिन उसको मास्टर करना जो है वो फिर प्रैक्टिस 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 शॉट उसके अंदर से जाए तो वो आपको फिर जो है ना वो आइडिया देगा कि आप कितना जो है ना इसके अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आ रहे हैं। हेलो, वेलकम टू माय मास्टर क्रिकेट कोच। आज हम कोचिंग सीरीज़ के अंदर आपको कट शॉट के बारे में बताएंगे। कट शॉट जो है इट्स इजी टू लर्न बट डिफ़िकल्ट एंड हार्ड टू मास्टर इट। और आज हम आपको इसमें पांच स्टेजेस के अंदर बताएंगे कि आपने किस तरह अपने कट शॉट को इम्प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो है वो आपने बैक एंड क्रॉस जाना है, ठीक है, स्टांस में खड़े हैं, किस बॉल को ये हिट होगा, थोड़ा शॉर्ट ऑफ पिच बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप जो बॉल होगा उसको आप कट शॉट खेलेंगे। तो इसके लिए क्या है कि आपने जो है वो बैक एंड क्रॉस जाना है, वेट आपका जो है वो बैक फुट पे जो है ना वो ट्रांसफ़र होगा और बैट जो है ना वो आपका ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा ताकि आपका जो शॉट है वो नीचे जाए और रोलिंग जाए। तो ये इसका बेसिक जो है वो एक तरीका है कि किस तरह आपने कट शॉट खेलना है। दोबारा रिपीट करूंगा, स्टांस के अंदर खड़े हैं, आपने बैक एंड क्रॉस जाना है और आपने ये बैट की जो पोजीशन है ये अपवर्ड टू डाउनवर्ड है और वेट इज़ ट्रांसफ़र ऑन द बैक फुट और आपकी जो डायरेक्शन है वो शॉट की तरफ है। 90 डिग्री पर यह शॉट जो है ऑलमोस्ट खेला जाता है। कुछ शॉट जो है वो अंदर की तरफ खेले जाते हैं, वो वाले जो कट शॉट हैं वो जब बॉल आपकी बॉडी को थोड़ा पास करता है, थोड़ा पीछे की तरफ जाता है तो फिर आप उसको थोड़ा सा लेट अंदर गली और पॉइंट के अंदर से आप खेलते हैं कट शॉट। इसके अंदर इसको कैसे आपने इम्प्रूव करना है उसको मैं ज़रूर आपके साथ आज शेयर करूंगा और फिर आपको डेमो दिखाऊंगा। हमारे अकेडमी का जो एक बैट्समैन है वो आपको साथ साथ स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5 तो उसके बारे में बताएगा। तो सबसे पहले जी स्टेज 1 के अंदर जो है वो अगर आप देख रहे हैं तो हमारा जो बैट्समैन है वो ऑलरेडी पोजीशन है, कट की पोजीशन में खड़ा हुआ है और सिर्फ इसको स्टेज 1 को कहते हैं कैच एंड थ्रो, ठीक है, वो इस तरह पोजीशन में खड़ा है और बॉल को कैच कर रहा है, उसके बाद उसको थ्रो कर रहा है। ये क्यों है? ताकि आपको फील हो, बॉल नज़र आए और इसी बॉटम हैंड से, आपको पता है ये क्रॉस बैटेड शॉट है तो ये बॉटम हैंड इसमें यूज़ होता है, इसलिए हम ये बॉटम हैंड को पहले उसको सिखाते हैं कि बताते हैं कि ये किस तरह आपने पकड़ना है, उसको करना है। आप देख रहे होंगे वीडियो के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि किस तरह इफेक्टिवली बैट्समैन खड़ा हुआ है और उसको वो थ्रो कर रहा है। स्टेज 2 के अंदर फिर वही है, लेकिन इसमें अब पोजीशन उसने ली हुई है और बैट जो है ना उसने वो अब हाथ में आ गया हुआ उसके, और बैट में सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो बैट की जो पोजीशन है और जो कॉन्टैक्ट है वो अपवर्ड टू डाउनवर्ड है। तो ये स्टेज 2 के अंदर है, ये पूरा एक सीक्वेंस है। और स्टेज 3 के अंदर है, उसके अंदर फिर आप देखें अब वो अब प्रॉपर अपने स्टांस में आ गया हुआ है और फिर वो बैक एंड क्रॉस जा रहा है, वेट अपना ट्रांसफ़र कर रहा है ऑन इज बैक फुट और बैट उसका अपवर्ड से डाउनवर्ड आ रहा है और कट जो है ना वो उसका प्रॉपर पॉइंट साइड पर जा रहा है।
तो नंबर जो है ना, ये जितने भी अभी आप ड्रिल कर रहे हैं, ये जो थ्रोर है, जो फीडर है, वो उसको अंडर आर्म कर रहा है ताकि वो इफेक्टिवली उसको वो खेल सके, उसकी वो प्रैक्टिस कर सके। तो रिमेंबर कि ये जितनी जो पहले जो तीन स्टेजेस हैं, इसके अंदर वो अंडर आर्म आपको थ्रो कर रहा है और वो उसको फिर वो इफेक्टिवली वो हिट कर रहा है। और फिर नंबर जो स्टेज फोर है, उसके अंदर जो है वो अब क्या करेगा, ओवर आर्म उसको करेगा, थ्रो करेगा, फीड करेगा, और वो इसे ऑफ साइड ऑफ स्टंप, और वो उसको प्रॉपर जो है ना, वही मैकेनिज्म है, वही कोचिंग पॉइंट्स हैं, वेट कैसे ट्रांसफ़र करना है बैक फुट पे, बैट की पोजीशन क्या आनी है और कांटेक्ट कहाँ पे होना है। कांटेक्ट जो है वो आपका इन फ्रंट ऑफ योर वो बॉडी हो रहा है। और उसके बाद जब आप स्टेज फाइव के अंदर जाएंगे, तो स्टेज फाइव के अंदर अब वो मैच सिमुलेशन में चला गया हुआ है कि मैच में कैसे है। अब उसकी जो आर्म पोजीशन है, जो हिटिंग है, अब वो बैट स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि मैच के अंदर बॉल तेज़ आएगा और वो उसको आपने तेज़ हिट मारना है। तो ये जो है ना पांच स्टेजेस हैं, और इसमें भी वो ओवर आर्म करेगा थ्रो, और ओवर आर्म में वो फिर अब इसको स्पीड के साथ खेलेगा। तो ये पांच स्टेजेस हैं, आप देख रहे हैं कि कट शॉट, मैंने जैसे पहले कहा वीडियो में कि ये बड़ा इजी है, लर्न करना इजी है, लेकिन उसको मास्टर करना जो है वो फिर प्रैक्टिस 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 रेपिटेशंस रेपिटेशंस, जितना आप इसकी रेपिटेशन को बढ़ाएंगे उतना आप इफेक्टिवली करेंगे। इसमें बड़ा अच्छा आप एडिशन कर सकते हैं कि आप जो है ना एक टारगेट भी रख सकते हैं पॉइंट के ऊपर, कोन्स रख के, दो मार्कर रख के, कुछ आपके हर शॉट उसके अंदर से जाए, तो वो आपको फिर जो है ना वो आइडिया देगा कि आप कितना जो है ना उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आ रहे हैं, कि अगर आप जो अपने टारगेट को वो प्रॉपरली उसके अंदर से बॉल को वो गुजार रहे हैं। तो ये तो थी जी आज हमारी कट शॉट के मुतल्लिक। आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, हमारी ये जो ड्रिल्स हैं जो हमारा जो बैट्समैन कर रहा है वो आपको पसंद आई होंगी। तो आप माय मास्टर क्रिकेट को चैनल को लाइक करें, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर करें इसको, और सब्सक्राइब चैनल को भी आप कर दें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।